समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को अंबेडकर चौक पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और सपा सांसद डिंपल यादव का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दो अलग अलग केक काटकर दोनों पार्टी के नेताओं का जन्मदिन मनाया और उनके दीर्घ आयु होने की कामना की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के पूर्व मंत्री डॉक्टर मोहसिन खान ने कहा, मायावती के जन्म दिवस पे बधाई हो, बधाई हो, जन्मदिन पे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, जिंदाबाद जिंदाबाद, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का आज 63वां जन्मदिन है और संयोग है कि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डिंपल यादव जी जो सांसद हैं कंदौस से, उनका भी जन्मदिन है। आज समाजवादी पार्टी के लोग दोनों नेता का जन्मदिन मनाकर के काट करके दीर्घ आयु की कामना कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष दलितों शोषितों की आवाज और देश में इनके देता ना, इनके दे दीजिए, एक गठबंधन करके सपा के गठबंधन करके जो उन्होंने देश में संदेश दिया है और दुनिया में संदेश चला गया है और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक हो गई है और उत्तर प्रदेश जहां से हमेशा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना करता है अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ही जिसको चाहेगी वही दिल्ली पर राज करेगा। 1994 उन्हीं के हाथ में होगा। ऐसे अवसर पर जब सपा बसपा का गठबंधन हो गया है, समाजवादी पार्टी के लोग गठबंधन को और ताकत देने के लिए और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों का पालन करते हुए कि मायावती जी का अपमान समाजवादी पार्टी का अपमान है, समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करती है और बहन मायावती जी को सम्मान में और उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरी समाजवादी पार्टी खास तौर से हमारी युवा छात्र सभा, युजल सभा, यूथ ब्रिगेड, लोहिया वाहिनी सारे नेता यहाँ बाबा साहब अंबेडकर के प्रतिमा पर इकट्ठा हुए हैं। इसलिए भी इकट्ठा हुए हैं कि देश के संविधान को जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने रचा था, बनाया था, उससे भाजपा को खतरा है, भाजपा ने खतरा पैदा कर दिया है। इसलिए संविधान को बचाना है और मोदी को हटाना है, सेकुलर सरकार बनाना है। मायावती जी को जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको पूरा बधाई, हार्दिक बधाई, धन्यवाद।